गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। एडमिटेंस पता है आप लोगों को, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। सो बेसिकली हम यहाँ पावर सिस्टम एनालिसिस में देखेंगे कि एक पावर सिस्टम है और पावर सिस्टम में कई बसेज होती हैं, राइट। बस पे या तो जनरेटर कनेक्टेड होगा या लोड, या कभी कभी दोनों होते हैं, लोड भी है और जनरेटर भी है। तो जनरलाइज केस लेकर हम लोग चलेंगे कि एक पावर सिस्टम है जिसमें कई सारे बसेज हैं और बसेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है। तो एक पावर सिस्टम में कई सारी लाइंस होंगी, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। तो अब उसको हम मॉडल करेंगे, पहले बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर इसका यूज़ होता है जैसे लोड फ्लो करना हो, जो भी कैलकुलेशंस हैं वहाँ पे हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसको पहले सीख ले कि कैसे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल आगे लोड फ्लो में सब्सिक्वेंटली हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल पावर सिस्टम बनाते हैं, साथ साथ आप लोग भी बनाइए। एक बस बना दिया आपने और मान लीजिए इस बस पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं, एक जनरेटर कनेक्टेड है, एक जनरेटर बनाइए और इसका कॉम्प्लेक्स पावर लिखिए S1, बस नंबर वन इसको कर दीजिए, बस नंबर वन है। आप इंजेक्ट कर रहे हैं S1 और जनरलाइज केस लेकर चल रहे हैं तो इसलिए आप लेकर चलिए कि इस पे लोड भी है, तो SG1 कर दीजिए, जनरेटिंग कॉम्प्लेक्स पावर विच इज इंजेक्टेड एट बस नंबर वन बाय दिस अल्टरनेटर, दिस इज सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन अगेन। और लोड जो होगा उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए SL1, एस कॉम्प्लेक्स पावर होता है, जैसे SG1 क्या होगा, PG1 प्लस जे टाइम्स QG1, इसी तरह से SL1 क्या होगा, PL1 प्लस जे टाइम्स QL1। एक्टिव रिएक्टिव दोनों पावर्स आप इंजेक्ट कर सकते हैं और दोनों आप ले सकते हैं। देखेंगे कहीं कहीं हो सकता है कि प्योरली एक्टिव ही आप ले रहे हैं तो वहाँ पे क्यू पार्ट जीरो हो जाएगा, वो आगे की बात है। अभी जनरलाइज केस लेकर चलते हैं जहाँ पे जो होगा हम एज्यूम करेंगे लेंगे उसको, जहाँ पे नहीं है वहाँ जीरो हो जाएगा, राइट। इसी तरह से चलिए एक बस और बनाइए आप, और भी बस बना दीजिए आप यहाँ भी। इनको कनेक्ट कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए बस नंबर टू। ये बस नंबर वन है, बस नंबर टू, बस नंबर थ्री, जितने बस होंगे सबका हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। बस नंबर फोर, अभी हम फोर बस सिस्टम लेकर चल रहे हैं, सिंपल वन, फिर आगे हम जनरलाइज करेंगे केस को। इनको कनेक्ट कीजिए, इन बसेस को थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन किसका है, द ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड बिटवीन बस नंबर थ्री एंड फोर, ये है, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है, हम पर फेज बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर सिस्टम हमारा बैलेंस है तो, और रिप्रेजेंटेशन भी हम सिंगल लाइन से करते हैं जिसको हम सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये है थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी बस नंबर टू पे भी जनरेटर कनेक्टेड होगा तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम दे दीजिए SG2, और अगर लोड है तो इसको डिनोट करेंगे हम SL2। सिमिलरली अदर बसेस पे भी बना दीजिए, इंजेक्टेड कॉम्प्लेक्स पावर SG3 एट बस थ्री, और लोड है SL3, SG4, SL4, सारे कॉम्प्लेक्स पावर हैं, आप फेजर रिप्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल SG1 क्या है, 1 2 3 4 आई लिखे डायरेक्टली, आई वेयर आई मे बी 1 2 3 4, दिस इज नथिंग बट PGI प्लस जे QGI। आई अगर 1 रखेंगे तो SG1 क्या लिखेंगे आप, PG1 प्लस जे QG1। 2 रखेंगे तो यहां पे 2 रख दीजिए, 3 4 राइट,
ये कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड एट आईथ बस आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लोड की बात करें, अगर हम एस एल आई फॉर आईथ बस, यू में राइट एक्टिव पावर ऑफ लोड एट आईथ बस प्लस जे क्यू एल आई, ठीक है। तो नेट पावर इंजेक्टेड अगर हम लिखना चाहें, नेट का क्या मतलब है, ये क्या है, आप जनरेट करके बस को दे रहे हैं पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, और लोड क्या है, ले रहे हैं। तो नेट कितना दे रहे हैं आप, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ये करेंगे ना। तो नेट को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एस आई से, एस आई को आप ये लिखें एस जी आई माइनस एस एल आई, क्या मतलब है इसका, आईथ बस पे नेट कॉम्प्लेक्स पावर कितना इंजेक्ट आप कर रहे हैं वो आप इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। वो कैसे लेंगे, एस जी आई फेजर क्या देता है, कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू द बस, और ये क्या है, लोड है उस बस पे कनेक्टेड है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस अगर एक्टिव पार्ट पॉजिटिव आता है, या इसको और लिख लीजिए आप, इसको फर्दर आप दोनों का एक्टिव पार्ट एक साथ लिखेंगे तो पी जी आई माइनस पी एल आई, ये एक्टिव पार्ट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा ना, और ये एक्टिव पार्ट को एक साथ करेंगे तो प्लस जे टाइम्स क्यू जी आई माइनस क्यू एल आई, ये लिखेंगे ना भाई। तो फाइनली इन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए पी आई प्लस जे क्यू आई। अब इस कन्वेंशन को हम थ्रू आउट द क्लास याद रखेंगे, थ्रू आउट द सेशन, हर क्लास में। अब मान लीजिए कहीं पे पी आई निगेटिव आ रहा है तो फिर बताना नहीं पड़ेगा कि वहां पे उस बस पे क्या है, एक्टिव पावर, नेट एक्टिव पावर क्या है, निगेटिव का क्या मतलब है, आप बस से ले रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है तो बस को दे रहे हैं। इसमें कभी कभी ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या करेंगे आप, ये तो दे रहे हैं लेकिन ये ले रहे हैं, जनरेटर कनेक्टेड होगा, जैसे विंड जनरेटर है, विंड टर्बाइन, जहां भी विंड जनरेटर होगा वहां पे कौन सा अल्टरनेटर यूज करते हैं, कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, सिंक्रोनस यूज करते हैं, विंड में नहीं करते हैं, आप जाकर गूगल कीजिए, इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। सिंक्रोनस के लिए शर्त है ना, कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, तो विंड टर्बाइन जहां भी यूज करते हैं वहां पे आप इंडक्शन जनरेटर यूज करते हैं। उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि वो क्यू को कमजोर कर देता है, लेता है, पी तो देता है एक्टिव पावर लेकिन क्यू सप्लाई नहीं करता है, पावर फैक्टर को पुअर कर देता है। चलिए वो आगे की बात है। तो जैसे केस अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव हो सकता है जनरेटर के केस में भी, तो हम अभी फिलहाल इस पे फोकस करें कि ये एस आई रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली ये टू कॉम्प्लेक्स पावर्स का डिफरेंस है, एक कॉम्प्लेक्स पावर जो जनरेटेड है और एक कॉम्प्लेक्स पावर जो लोड है। तो नेट अगर हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिव प्लस रिएक्टिव, जे टाइम्स रिएक्टिव, तो इसके साइन को भी बखूबी आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि निगेटिव आ रहा है तो क्या मतलब है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मतलब है, ये याद रहना चाहिए, नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मे बी 1, 2, 3, 4, अभी हम 4 बस सिस्टम लिए हैं, वो एन बस सिस्टम भी हो सकता है, नंबर ऑफ बसेज मे बी 100, 200, 500 लाइक डैट, तो वहां भी हम जनरलाइज वे में हम इस तरह से समझेंगे, बस नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4 जो भी अप टू जितने नंबर ऑफ बसेज हैं, ठीक है। तो हम वहां पे समझेंगे कि पी आई पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, निगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, और पी आई क्या है, ठीक है। चलिए तो ये तो जनरलाइज केस लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब मान लीजिए बस नंबर 3 पे सिर्फ लोड है, इसका मतलब ये जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, नहीं, अगर सिर्फ लोड कनेक्टेड होगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसके एक्टिव और रिएक्टिव पार्ट जहाँ पे यूज हो रहे हैं जीरो हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, इसलिए जनरलाइज केस लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब इस सिस्टम के लिए एक सिंपल सिस्टम हमारे सामने है, 4 बस सिस्टम, इसके लिए हमें क्या करना है, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फिलहाल बनाना है। तो आप ट्रांसमिशन लाइन को, मीडियम को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, नॉमिनल टी मॉडल, नॉमिनल पाई मॉडल पढ़ चुके हैं आप लोग, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हर ट्रांसमिशन लाइन को हम नॉमिनल पाई मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप फिगर बना चुके हैं ना, अब मैं इसी को एडिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को मैं एडिट करके और ऐसे लिख देता हूं, आर प्लस जे एक्स आप वाकिफ है इससे, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी हम कर दे रहे हैं, वो फिगर नंबर 1 था पहले वाला, अब फिर से आप दूसरा बनाए फिगर नंबर 2 होगा ये, ठीक, उस पर एडिट ना करें,
पहले वाला फिगर सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, हर ट्रांसमिशन लाइन को हम इक्विवेलेंट पाई मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए पाई मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं तो आर प्लस जे एक्स यहां पे आप जो भी लिखते हैं, और जो वाई शंट एडमिटेंस होता है हाफ हाफ दोनों तरफ कर देते हैं, वाई बाई टू व्हाटएवर इट इज कर देते हैं ना, लिखिए नहीं बस बना दीजिए सबके लिए, यहां भी बनाइए। सारी लाइंस के लिए आप बना दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपने अभी तक क्या किया है, सारी लाइंस को इक्विवेलेंट पाई मॉडल में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन, कनेक्टेड बिटवीन बस वन एंड टू। ठीक है, तो इनके बीच जो भी आपके आर प्लस जे एक्स मिलेगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, आर प्लस जे एक्स को एक इंपीडेंस बोलेंगे और उस इंपीडेंस का नाम देंगे जेड वन टू। लिखिएगा ना, जेड वन टू मतलब इंपीडेंस बिटवीन बस वन एंड टू, या वाई वन टू लिखे एडमिटेंस तो वन अपन जेड वन टू करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो भी है इनके जो शंट एडमिटेंस आपने कैलकुलेट किया होगा तो हाफ हाफ आपने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, इसका भी हाफ इधर किया इधर किया। अब बस नंबर वन पे जरा गौर करें तो बस नंबर वन पे टोटल शंट एडमिटेंस आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देखिए एक एडमिटेंस ये भी वन पे है ना कनेक्टेड, इसका भी हाफ जो आ रहा है ये वाई बाई टू, ये वन पे कनेक्टेड है, इसका भी इस लाइन का भी जो हाफ आ रहा है वो वन पे कनेक्टेड है ना, तो इसको लम्ब्ड कर देंगे एक साथ आप लिखेंगे तो एडमिटेंसेस पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्टली आप वाई वन टू कर देते हैं ना ऐड, तो समेशन ले लेंगे उसका। तो इन तीनों को हटा कर नेक्स्ट जो हम करेंगे अभी, तो क्या करेंगे, हर बस पे देख लीजिए आप सारी शंट एडमिटेंसेस बसेस पे हैं। ठीक है, इस बस पे नेट शंट एडमिटेंस कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस हो जाएगा ना, इस बस पे कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहां दिखाया गया है, मतलब है कि किनारे ही होता है ना भाई, एंड पे ही तो होता है नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस बस पे कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, अब यहां पे जो वोल्टेज है चलिए उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं वी वन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी वन फेजर से। वी वन क्या है, बस वोल्टेज है, किस बस पे, बस नंबर वन पे। सिमिलरली यहां पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, चलिए इसको भी मिटा देता हूं। अब एस जी वन एस एल वन अलग ना लिख करके अगर हम सिंपली एस आई यहां पे लिख दें, एस वन लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्यों भाई, एस वन का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप, जैसे एस टू का क्या मतलब है, एस जी टू माइनस एस एल टू। ठीक है, तो आपने यहां पे लिख दिया है एस आई का क्या मतलब है, तो यहां पे और इसको हम हटा के डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, हम एस टू लिख देंगे। ठीक है, इस बस पे जो वोल्टेज है फेजर उसको वी टू लिख देंगे। ठीक है, जो नेट करेंट है इसको आई वन दिखाइए आप, नेट करेंट करेंट इंजेक्टेड एट बस वन, मतलब आई वन, आई तो करेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो आई वन क्या है, बस नंबर वन पे नेट करेंट इंजेक्शन है। ठीक है, वी वन क्या है, वी तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है तो बस वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से वी टू आपने लिख दिया, बाकी भी लिख दीजिए आप। ठीक है, इसको वी फोर लिख दिया, इसको एस फोर लिख दिया आपने, इसको एस थ्री लिख दिया आपने, इसको एस टू लिख दिया आपने। इसी तरह से यहां पे वी थ्री हो जाएगा बस वोल्टेज, इस पे वी फोर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे नेट करंट इंजेक्टेड कितना हो जाएगा,
आई थ्री, यहां पे कितना हो जाएगा आई फोर। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जो आपका फिगर वन था उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं? अब क्या किया है, लोड हटा दिया, हमें पता है कि एस जी वन माइनस एस एल वन इज एस वन, तो डायरेक्टली एस वन लिख दिया। सिमिलरली फॉर बस नंबर टू थ्री फोर, कोई दिक्कत तो नहीं है? टफ तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यस, हाँ आ रहा है समझ में। कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं डाउट है? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक रिफरेंस बस लेते हैं ग्राउंड पे। चलिए यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये रिफरेंस बस है एट ग्राउंड पोटेंशियल, और बस नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। चलिए डॉट नोटेशन यूज करते हैं, ये है बस नंबर वन। डायरेक्टली इसको हम वी वन से रिप्रेजेंट करते हैं इस नोड को, ठीक है। और यहां पे जनरेटर वन कनेक्टेड है और नेट इंजेक्टेड करंट आई वन है, राइट। इसको एस वन आप डिनोट कर रहे थे और करंट किसको क्या कर रहे थे, आई वन है ना भाई, आई वन है, नेट इंजेक्टेड इनटू दिस बस। बस नंबर वन को ऐसे दिखा दिया आपने, ठीक है। चलिए मान लीजिए बस नंबर टू को आप यहां दिखाते हैं, ये नोड बना दीजिए, बस नंबर टू को यहां दिखाते हैं, ये बस नंबर टू है। तो बस नंबर टू पे ऑल्टरनेटर जनरेटर टू कनेक्टेड है और नेट करंट इंजेक्टेड को आप दिखा दीजिए इस पे आई टू, और इस पे जो वोल्टेज है वो है वी टू, ठीक है। और इसके बीच जो इम्पीडेंस है जेड वन टू है, तो अगर एडमिटेंस के टर्म्स में आप लिखना चाहेंगे, क्योंकि बाकी तो एडमिटेंस है ना, ये वाला शंट एडमिटेंस है, तो इम्पीडेंस को भी रेसिप्रोकल लेकर के आप वन अपॉन जेड वन टू को वाई वन टू लिख सकते हैं। तो उसको भी रिप्रेजेंट ऐसे ही कीजिए आप, और इसको लिख दीजिए वाई वन टू, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। इस फेजर को लिख दिया आपने, और एक एडमिटेंस ये है शंट एडमिटेंस, ये है और ये है, तीनों का रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं। रिजल्टेंट को आप बस नंबर वन है तो इसको आप ऐसे डिनोट कर दीजिए, y10, जीरो मीन्स ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। तो y10 क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द शंट एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस नंबर वन, ठीक है। इसी तरह से आप बस नंबर टू के लिए भी लिख दीजिए, आप इसको क्या लिखेंगे, आप y20। क्या मतलब है y20 का, y20 का मतलब है कि दिस प्लस दिस एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द शंट एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस नंबर टू, क्लियर है। और इनके बीच जो है जो भी एडमिटेंस है उसको आपने y12 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए नोड नंबर थ्री भी है, तो चलिए थ्री कहीं पे आप, चलिए यहां बना लेते हैं थ्री, ठीक है। अब थ्री है तो इनके बीच जो इंपीडेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक एडमिटेंस लिख सकते हैं। तो क्या है इंपीडेंस बिटवीन टू एंड थ्री, z23। तो z23 को आप लिख सकते हैं y1 y23 will be equal to 1 upon Z23। तो इसको हम यहां लिख दें, क्या लिखेंगे यहां पे Y23 between 2 and 3, ठीक है। 3 पे जो वोल्टेज है उसको आपने क्या माना है, V3 माना है ना, और जो करंट है, चलिए हम अल्टरनेटर जनरेटर ही बना लेते हैं, यहां पे जनरेटर है और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं V3 से, ठीक है। करंट को लिख रहे हैं आप I3, यही तो कर रहे हैं। फिर थ्री पे जो थ्री शंट एडमिटेंसेज हैं पैरेलल कनेक्टेड, उनका एक रिजल्टेंट आप लिखेंगे वाई थ्री जीरो। तो यहां भी आप लिख दीजिए वाई थ्री जीरो, लिख दिया। और कनेक्शन देखिए आप, थ्री से वन भी कनेक्टेड है ना कनेक्टेड, तो जेड वन थ्री भी है आपके पास, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई वन थ्री भी आप लिखेंगे बिटवीन
वन एंड थ्री, तो आप लिखिए यहां से वन एंड थ्री के लिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, वाई वन थ्री, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, राइट। अब बस नंबर फोर भी है, तो समवेयर बस नंबर फोर आप बना दीजिए। चलिए यहां बना देता हूं, ठीक है। इनके बीच जो इंपीडेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे आप, बस नंबर थ्री है और ये फोर है, फोर को हम लिख देते हैं यहाँ पे एक, चलिए यहाँ पे जनरेटर बना के और ये दिखाइए, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो चलिए वी फोर है, और जो करंट उसको है आई फोर से डिनोट कीजिए आप, ठीक है। तो फोर और थ्री के बीच ये है फोर, ये थ्री, जो इंपीडेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप किससे, बताओ भाई किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्री फोर, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इंपीडेंस कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, बिटवीन थ्री एंड फोर, जेड थ्री फोर, तो वाई थ्री फोर आप लिख सकते हैं ना, वन अपॉन जेड थ्री फोर, कोई डाउट नहीं, तो उसको आप यहां लिखिए वाई थ्री फोर, कोई बात नहीं। फोर पे नेट शंट एडमिटेंसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वाई फोर जीरो लिख देंगे, यहां से लिखिए आप वाई फोर जीरो, ठीक है। अब देखिए कि फोर किससे कनेक्टेड है, वन से भी कनेक्टेड है, जिस तरह से ये थ्री से कनेक्टेड था उसी तरह से ये वन से भी कनेक्टेड है, तो वन से भी कनेक्टेड है, तो यहां पे आप दिखाएं इसको, और क्या लिखेंगे यहां पे एडमिटेंस, वाई वन, बोलते क्यों नहीं तुम लोग, अभी ही बोलती बंद होगी तुम लोगों की, अभी तो स्टार्ट है, आगाज है, अभी अंजाम तक पहुंचना है, ठीक है, अभी तो बोलते रहो, आगे खामोश होना पड़ेगा, वहां भी बोलना, बोलने को कहूंगा, ठीक है। अब देख लें, क्रॉस चेक कर लें, बस नंबर वन किससे किससे कनेक्टेड है, टू से कनेक्टेड है, थ्री से कनेक्टेड है, फोर से कनेक्टेड है, यहां चेक कर लें, बस नंबर वन किससे कनेक्टेड है, टू से कनेक्टेड है, थ्री से कनेक्टेड है, फोर से कनेक्टेड है। इसी तरह से टू को आप चेक कर लें, वन और थ्री से है, टू को चेक कर लें, वन और थ्री से है, फाइन। थ्री को चेक कर लें आप, टू वन और फोर से है, थ्री को देखें, टू वन और फोर से है, ठीक है। और फोर्थ किससे है, सिर्फ दो से है, बस नंबर थ्री और वन से है, तो फोर बस नंबर थ्री वन से है, और सबके अपने अपने शंट एडमिटेंसेज है, जिसे कॉरेस्पॉन्डिंग सबको लंप करके एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। कई इंपीडेंसेज को आप ऐड कर सकते हैं ना, कई एडमिटेंसेज को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, राइट। चलिए, तो यहां तक कोई अगर डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्म करने जा रहे हैं, जो हम लोग एक सिंपल नेटवर्क लेकर चले थे पावर सिस्टम का, फोर बस सिस्टम, उसी का इक्विवेलेंट आपने यहां लिखा, उसी का इक्विवेलेंट आपने यहां लिखा, और कुछ तो ऐड नहीं किया बीच में, फाइन। चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूं, अब यहां से हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे गौर कीजिए। हर नोड पे केसीएल अप्लाई करना है, क्या करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ तो आपको पता ही है, ठीक है। तो नेट इनकमिंग करंट आप क्या दिखा रहे हैं, आई वन दिखा रहे हैं, तो सारे आउटगोइंग करंट्स को लिखिए, अगर आउटगोइंग नहीं होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन है नहीं, मैथमेटिकली ट्रू होगा, ठीक है। तो आप इस करंट को आई वन को क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि इधर जो करंट जा रहा है इसमें, तो करंट को किसी ब्रांच में करंट कितना है कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों नोड्स पे पोटेंशियल पता है आपको, इस पे क्या है वी वन है, इस पे क्या है वी टू है, तो मान लो करंट आप मान रहे हो कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है, उस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल हायर होगा ना इससे, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे, वी वन माइनस वी टू अपॉन जेड वन टू लिखते, या अपॉन नहीं करें वाई में है आपके पास तो इन टू वाई वन टू लिखेंगे ना, तो यही करना है आपको। इसी तरह से इस ब्रांच में लिख सकते हैं, इसी तरह से इस ब्रांच में लिख सकते हैं, ये तो ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल है, तो इसका वोल्टेज कि क्या लोगे, जीरो, राइट। तो ड्रॉप लेना होगा तो वी वन माइनस जीरो वी वन ही होता है, और नेट कितना है वाई वन जीरो है। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट ऑल नोड्स, नोड नंबर वन टू थ्री फोर वी में, राइट। चलिए एक एक करके लिखते हैं, लिखिए आई वन इज इक्वल टू, जल्दी लिखिए,
चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर में चलेंगे तो कोई बस नहीं छूटेगा, राइट। रेंडमली में कहीं डाउट होता है कि बीच में छूट गया, तो चलिए 0 1 2 3 ऐसे ही करके चलेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे वी वन है पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो है, ड्रॉप वी वन ही रहेगा इंटू वाई वन जीरो लिखेंगे ना भाई, वाई वन जीरो वी वन प्लस, ये क्या है, यहां से जो करेंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है वो लिखा आपने, और वन तो ये खुद ही है, तो जीरो के बाद आप वन स्किप करके टू पे जाइए, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, प्लस वाई वन टू वी वन माइनस वी टू लिखेंगे। नहीं भाई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलते जाओ ना, तुम लोग बोलो तब समझ में आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। प्लस क्या लिखेंगे, अब देखिए टू हो गया तो थ्री को देखिए, कनेक्टेड है ये, कभी नहीं भी हो सकता था, नहीं होगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, करंट कैसे फ्लो करेगा, तो है तो लिखिए आप, तो क्या लिखेंगे आप, वाई वन थ्री क्या लिखोगे, वी वन माइनस वी थ्री प्लस, देखो फिर वन किससे कनेक्टेड है, थ्री के बाद फोर लास्ट है ये बस, तो क्या लिखोगे, वाई वन फोर वी वन माइनस वी फोर लिख लो इसको, ठीक है। इसी तरह से सारे बसेस पे लिखो फटाफट, आई टू इज इक्वल टू लिखो, आई थ्री लिखो, आई फोर लिखो, ठीक है। आई टू लिखेंगे आप तो सबसे पहले जीरो वाले को लिख लीजिए आप, वाई टू जीरो वी टू प्लस, अब वन से स्टार्ट कीजिए तो वी टू वन, तो वाई वन टू ही लिखेंगे आप, वी टू माइनस वी वन लिखेंगे, क्यों I2 लिख रहे हैं ना आप, I2 इज इनकमिंग करंट एट बस नंबर टू, आउट गोइंग करंट लिखेंगे तो इस वक्त आपका डायरेक्शन इधर है, इसलिए V2 माइनस V1 टाइम्स ये लिखना होगा, V2 माइनस V1 टाइम्स Y12, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए 2 से अब 3 भी कनेक्टेड है, प्लस इसके बीच जो एडमिटेंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Y23 V2 माइनस V3, ठीक है। अब टू से और कोई कनेक्टेड है ही नहीं, तीन ही ब्रांच है ना, तीनों ब्रांच करेंट्स आपने लिख लिया। इसी तरह से आई थ्री लिखिए आप, आई थ्री इज दिस, तो वाई थ्री जीरो वी थ्री करेंट इन दिस ब्रांच आपने लिख लिया, उसके बाद में थ्री ब्रांचेस हैं, वन टू थ्री से कनेक्टेड है, तो वाई वन थ्री क्या लिखेंगे आप, वी थ्री माइनस वी वन प्लस, अब दूसरे में लिखे y23 v3 माइनस v2 प्लस, ये 4 से भी कनेक्टेड है, चेक कीजिए भाई, क्रॉस चेक करते रहे आप, राइट। तो इसको लिखेंगे आप y34 v3 माइनस v4, लास्ट नोट पे लिखे 4 पे y40 V4 प्लस, हाँ हाँ फटाफट बोलो, चलिए वन से कर रहे हैं, ठीक है, वाई वन फोर वी फोर माइनस वी वन प्लस, ये फिर किससे कनेक्टेड है, थ्री से है, टू से तो कनेक्टेड है नहीं, तो थ्री से है तो वाई थ्री फोर वी फोर माइनस वी थ्री लिख सकते हैं भाई इसको। अब आप इसको लिख लिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिए सब ठीक है, आपके नोटबुक में है, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं इसको तो एक कॉलम वेक्टर यहां बनाइए, करंट का आई वन आई टू फेजर आई थ्री आई फोर इज इक्वल टू, यहां आप लिखिए, ये जगह दे देता हूं, यहां पे बस वोल्टेजेस लिखिए आप, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर। अब आप इन इक्वेशंस को देख करके देखिए, वाई वन जीरो वी वन है, यहां भी वी वन है, यहां भी V1 है, यहां भी V1 है,
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, y10 इसको लिख लिया आपने, v1 से मल्टीप्लाइड है ना, प्लस y12 प्लस y13 प्लस y14 ये आपने लिखा, यही तो मल्टीप्लाई करते ना, v1 से v2 से क्या मल्टीप्लाइड होगा, v2 एक ही जगह है यहाँ पे देख लीजिए, और वो मल्टीप्लाइड है y12 से, निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस y12, ठीक है, v3 यहाँ पे है अकेले है, y13 निगेटिव साइन, माइनस y13, ठीक है, और v4 एक ही जगह है, माइनस साइन है y14, राइट, तो माइनस y14, देखिए तो ये लिख सकते हैं ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम वेक्टर से और ऐड करते हैं, तो दैट इज दिस इनटू v1 प्लस दिस इनटू v2 प्लस दिस इनटू v3 प्लस दिस इनटू v4, वही मिल रहा है ना, जो KCL इक्वेशन आपने लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 का ये 2, 3, 4, राइट, सिमिलरली फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखिए आप, जल्दी बोले आप, सो v1 कहाँ पे, एक ही जगह है निगेटिव साइन के साथ, माइनस y12 यहाँ लिख दीजिए आप, v2 कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो v2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास होगा y20, ये हो गया, प्लस y12 प्लस ये हो गया y23, आपको ये मिल गया सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या मिलेगा, v3 के कॉरस्पॉन्डिंग y23 निगेटिव साइन के साथ, राइट, माइनस y23, v4 नहीं है तो जीरो लिखेंगे, यानी 0 इंटू v4 करेंगे, सम करेंगे तो ये मिल जाएगा, v4 है ही नहीं है तो जीरो लिखना पड़ेगा, राइट, ठीक है, अब थर्ड लिखिए क्विकली, थर्ड में क्या है, v3 कई जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और v1 सिर्फ एक जगह है, राइट, और माइनस साइन से y13 लिखेंगे आप, तो लिखिए यहां पे माइनस y13 यही लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है, v2 देखे कहां कहां पे है, जल्दी बताए, 2, 3 है, एक ही जगह है v2, और जगह है नहीं, माइनस y23 लिखें आप, v3 कहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो इसको लिखें आप थर्ड एलिमेंट को, y30 लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने v3, यहां भी v3 है, प्लस y13 प्लस यहां पे y23 और y34, y23 प्लस y34, ठीक है, और लास्ट v4 के साथ एक ही है, 3, 4 निगेटिव साइन के साथ, तो यहां पे लिख दीजिए माइनस y34, ये एक अलग कॉलम है, फोर्थ कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम चल रहा है, ठीक है, आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। इस तरह से i4 को देखें, i4 में v1 एक ही जगह है, राइट, तो माइनस y14 लिखें यहां पे, माइनस y14, v2 देखें कहां कहां है, कहीं पे v2 है, नहीं है, नहीं है तो यहां पे 0 लिखें आप, v3 देखिए यहां पे है, एक ही जगह है, माइनस y34 लिखेंगे, v4 देखिए तीनों टर्म्स में है, तो v4 के लिए आप यहां पे लिखें y34 0, ये लिख लिया आपने, फिर यहां पे v4 से है y14, फिर यहां पे है y34, ठीक है भाई, कहीं डाउट तो नहीं है, आपने क्या किया है, इन्हीं इक्वेशंस को जो KCL इक्वेशंस थी, जो KCL अप्लाई आपने किया था अपने सिंपल नेटवर्क के लिए, उन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं किया है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, राइट, इसी तरह से ये और ये चारों, ठीक है, अब इसको गौर कीजिए आप, इसको गौर करने से पता ये चलता है, चलिए इसको इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले i1 i2 i3 i4 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
कई फेजर्स का सब एक फेजर होगा ना, तो इसको रिप्रेजेंट कर दें, इस पोजीशन पे है तो वाई वन वन कर दें। अभी बाद में बात करेंगे वाई वन वन क्या है, इसको वाई वन टू कर लिख दें, वाई वन थ्री, वाई वन फोर, इसी तरह से वाई टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, वाई थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, वाई फोर वन, वाई फोर टू, वाई फोर थ्री, वाई फोर फोर, और यहां पे लिखेंगे आप वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, लिख सकते हैं ना। तो ये तो फोर बस के लिए आपने लिखा है। अब यहां पे गौर करें, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वाई वन वन हो, वाई टू टू, वाई थ्री थ्री या वाई फोर फोर, ये कैसे मिलती हैं? सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू डैट बस, वेदर सीरीज और शंट, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस। देखिए यहां पे, जैसे कि वाई वन वन की बात करें तो आप अपने डायग्राम को देखें, उसमें देखें कि वन पे जितनी वाईज हैं, वाई वाई वन जीरो है, वाई वन टू है, जितनी वाई हैं, तो वाई दो तरह की हैं, शंट एडमिटेंस भी और सीरीज भी एडमिटेंस है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको लिखना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेज कनेक्टेड टू डैट बस। अगर वाई वन वन है तो डैट बस नंबर वन, वाई थ्री थ्री है तो बस नंबर थ्री। सिमिलरली ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे गौर करें तो निगेटिव ऑफ एडमिटेंस सीरीज एडमिटेंस बिटवीन दीज टू बसेस, ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगी तो क्या होगा, या वाई वन टू होगा या वाई फोर वन होगा, राइट, वाई फोर वन यहाँ है, राइट। तो निगेटिव ऑफ माइनस वाई, देखिए वाई वन फोर क्या है, निगेटिव ऑफ माइनस वाई वन फोर, ये स्मॉल वाला, और स्मॉल वाई वन फोर क्या है, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन बस नंबर वन एंड फोर, क्लियर हो रहा है? अच्छा, जहां पे कनेक्शन नहीं है वहां पे जीरो आ रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। तो जनरलाइज्ड वे में अगर आप लिखेंगे, अभी फोर बस सिस्टम है, सपोज एन बस सिस्टम होगा अगर आपका, तो एन बस सिस्टम के लिए चलिए मैं लिख देता हूं, तो डॉट 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 करके यहां पे वाई वन एन कर दें आप, नेक्स्ट दूसरा लिखें, ठीक है, इससे वाई टू वन, वाई टू टू, डॉट डॉट वाई टू एन करेंगे, एन में भी एनी नंबर, फिफ्टी ले लो, हंड्रेड ले लो, इसी तरह से वाई थ्री वन, वाई थ्री टू, या इसको पूरा ही मिटा दो, ठीक है, और यहां भी डॉट 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 करके यहां एन कर देंगे, ठीक है, डॉट 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 वाई, क्या लिखेंगे यहां पे, एन एन, ठीक है, एन वन, एन टू, और यहां पे एन बस सिस्टम होगा, तो वी हैव वी वन, वी टू, अप टू वी एन, ठीक है, और हर हर नोड पे केसीएल अप्लाई करेंगे आपको, तो आई वन, आई टू, अप टू आई एन मिल जाएगा आपको, ये जनरलाइज्ड आपने लिख दिया। अभी फोर बस सिस्टम के लिए जो समझे थे आप, उसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे किसी भी नंबर ऑफ बसेस के लिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां गौर कीजिए, इनको क्या कहते हैं हम लोग, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, इसको ऐसे आप लिख दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स, और इनको कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हाफ ऊपर होंगे, हाफ नीचे होंगे, राइट। अब कई चीज़ें आप गौर कर सकते हैं, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स खूब आते हैं, गेट में भी आते हैं, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो गौर करने पे कुछ ही लोगों की नज़र आती है, राइट, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप गौर करेंगे तो किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर आप सम करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जैसे इसको आप सम करेंगे तो ये तीनों निगेटिव, इनको कैंसिल करके ये देंगे, तो वाई वन जीरो क्या है, टोटल शंट एडमिटेंस, सबको लंप कर दिया था ना आपने, कनेक्टेड टू डैट बस, क्लियर हो रहा है? या फिर किसी कॉलम को ऐड करें आप तो भी वही हाल है,
इसी तरह से अगर इस सेकेंड रो को आप ऐड करें या सेकेंड कॉलम को ऐड करें, आपको मिलेगा Y20, और Y20 क्या है आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देता है, तो जब आप जब कैलकुलेट करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायरमेंट लेस हो जाता है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हाफ में है वो भी, ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं। चलिए इसको गौर करके आइए कि आप लोग घर से, ठीक है। तो इन जनरल हम आप कह सकते हैं कि अगर हम yii लिखना चाहते हैं तो yii को आप लिख लीजिए सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस, लिख लीजिए आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम कम है, ठीक है। सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू ith बस, और yij आप अगर लिखेंगे वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, मतलब yii नहीं है अदर एलिमेंट्स, जैसे y12 हो सकता है, y31 हो सकता है, राइट, y52 हो सकता है, अगर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बसेज इन द सिस्टम, राइट। सो दिस इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ माइनस yij, ठीक है, देख लीजिए ना गौर करके। जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि चलिए y2n क्या है, तो y2n निगेटिव ऑफ स्मॉल y2n होगा बिटवीन एडमिटेंस, सीरीज एडमिटेंस बिटवीन बस 2 एंड n, ठीक है, जो भी होगा नंबर आप ले सकते हैं। अब इससे अगर आप मान लीजिए कोई करंट लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि i2 आप लिखना चाहते हैं, तो i2 लिखेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो क्या देगा ये y21v1 प्लस y22v2 प्लस अप टू y2nvn देगा ना। तो जनरलाइज वे में अगर आप लिखना चाहते हैं ii, i2 ही नहीं कोई भी i, मे बी 1 टू n, तो i2 ना करके ii कीजिए, तो क्या होगा ये समेशन ऑफ yi के v के k इज इक्वल टू 1 टू n। देखिए चेक कीजिए, जैसे i2 अभी आप लिख सकते हैं ना, i2 रखेंगे तो k इज इक्वल टू 1 टू n आप लिखते हैं, तो y21v1 आप लिख रहे थे ना, प्लस y22v2, y23v3, तो इन जनरल i में भी 1, 2, 3 अप टू बस नंबर n, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्मूला आप ये लिख सकते हैं। अब आगे कैलकुलेशन में अगर डायरेक्टली इसको लिखा जाए तो वहाँ पे ताजुब ना हो कि भाई कहाँ से आ गया ये, ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया गया है, और अभी आपके पास टाइम है, फ्री टाइम है, आप खूब गौर करें इस पर, आपस पर डिस्कस करें, चाय कॉफ़ी पे भाई ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, और भी बातें निकल के आए तो उसे डिस्कस करें, ठीक है। अब इसमें बेस्ट प्रॉब्लम्स अभी हम करेंगे तो और भी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिलहाल अभी इस पर गौर करें, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर एन बस सिस्टम ऑर्डर ऑफ दिस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स विल बी एन बाई एन, देखिए ना भाई क्या ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर क्या है, एन बाई एन ना, वेयर एन इज नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। चलिए गौर करके आइएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे, आज टाइम खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन?